गुड मॉर्निंग ऑल। तो लास्ट के लेक्चर में प्रैक्टिकल के हमने देखा था प्रैक्टिकल नंबर 4 और 5 ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 6। तो प्रैक्टिकल नंबर 6 का जो एम है वो है क्रिएट अ बेसिक मैनेट इम्प्लीमेंटेशन सिमुलेशन फॉर पैकेट एनिमेशन एंड पैकेट ट्रेस। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल हमको करना है ऑमनेट प्लस प्लस में, ठीक है। जैसे हमने प्रैक्टिकल नंबर 4 किया था ऑमनेट में, वही सेम अभी प्रैक्टिकल 6 में हमको करना है। और ये जो ऑमनेट के प्रैक्टिकल्स रहते हैं ना, वो बहुत ईजी रहते हैं, क्योंकि जो फोल्डर्स बने हुए रहते हैं तो उसके अंदर ही आपको एक कोई तो न्यू फोल्डर बनाना रहता है और जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है वो फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अभी जैसे प्रैक्टिकल 4 में हमने एक न्यू फोल्डर बनाए थे, ठीक है। अभी वैसे ही प्रैक्टिकल 6 में हमको क्या करना है, तो आपको स्क्रीन पे देखो दिखता होगा ओपन आईनेट एग्जाम्पल। ये फोल्डर वाले फोल्डर जो है लेफ्ट साइड के टूल बॉक्स में रहते हैं, ठीक है। देन राइट क्लिक मैनेट राउटिंग क्रिएट अ न्यू फोल्डर एज मोबाइल नेट। अब ये जो मैनेट राउटिंग है वो ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ होगा, ठीक है। उसको राइट क्लिक करके आपको बनाना है क्रिएट न्यू फोल्डर एज अ मोबाइल नेट। देन राइट क्लिक ऑन योर न्यूली क्रिएटेड फोल्डर, मतलब जो मोबाइल नेट का फिर से एक फोल्डर बनेगा तो उसके ऊपर फिर से आपको राइट क्लिक करके क्या करना है, क्रिएट फोल्डर एंड सिलेक्ट एनईडी फाइल। तो वहाँ पे एनईडी फाइल का जो है ऑप्शन चेक करना है। अभी जब आपका कॉलेज चालू हो जाएगा, कल से चालू हो रहा है आपका शायद, ठीक है। तो हम फिर से ये प्रैक्टिकल करेंगे, ओके। यस, देन सिलेक्ट न्यू एडहॉक मोबिलिटी वायरलेस नेटवर्क विजार्ड। तो जहाँ पे आपको न्यू मोबिलिटी वायरलेस नेटवर्क विजार्ड ये ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। देन यहाँ पे जो आप कोडिंग लिख रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप ये सब स्टेप्स फॉलो करेंगे ना। तो ये जो कोड है आपको मैन्युअली टाइप नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक आ जाता है, ओके। देन अभी जब आपको ये सब रन करना होगा तो राइट क्लिक ऑन एनईडी फाइल रन एंड ऑमनेट बीपी सिमुलेशन। फिर जो आपने न्यू फोल्डर बनाया है मोबाइल नेट का, उसको आपको राइट क्लिक करके रन करना है। फिर उसका जो आउटपुट है, 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, जब एनईडी मतलब आप एनईडी फाइल ओपन करके देखेंगे ना, तो ये सब कोड आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है ऑलरेडी, मतलब ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो जाता है। जब आप रन करेंगे तो आपको ये वाला आउटपुट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नोड्स मिलेंगे और उसकी रेंजेस मिलेंगे, ठीक है। इतना ही शॉर्ट है प्रैक्टिकल, बहुत इजी है। और जब आपका कॉलेज मैन्युअली कल से चालू हो जाएगा, हम ये प्रैक्टिकल फिर से पीसी पे करके देखेंगे मैन्युअली, ओके।